जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। आज फिर क्या है कि हम बहुत छोटे सी क्लास को डिस्कस करेंगे, हु डेवलप्ड सी, यानी कि सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप्ड किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी। यहाँ पर सी से बात क्या है, सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज, राइट। यानी कि सी लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग का ऑथर कौन है, सी लैंग्वेज को किस पर्सन ने डेवलप्ड किया था, राइट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो सी है, सी क्या है। सी से मुराद स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, बेसिकली सी प्रोग्रामिंग या क्या है, सी लैंग्वेज, राइट। यानी कि सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज, ये क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या कहा है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद क्या है, ऐसी लैंग्वेज जो क्या होती है, जो ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानियत के नेटिव होती है, इंसानियत के करीब होती है। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसको क्या है कि जो इंसान है ये इजीली अंडरस्टूड कर लेते हैं, जो इंसान है ये क्या है कि इजीली आसानी से समझ लेते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेसिकली ये जो हमारे पास सी है, सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि इसको जो हम इंसान है ये क्या है कि इजीली समझ लेते हैं। जो हमारे पास सी लैंग्वेज है ये क्या था कि ये 1972 क्या कहा है, 1972 में डेवलप्ड हुई थी, और जो इसका ऑथर था उसका नाम क्या था, डेनिस रिची। अब मैंने यहाँ पर लफ्ज क्या बोला है, ऑथर या डेवलप्ड, ये हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या कि सी लैंग्वेज को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथर। ये हम लोग ऑथर या डेवलपर किसको बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो क्या है कि किसी ना किसी चीज को बनाता है। जैसे फर्ज किया, अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझे, जैसे हमारे पास क्या होती है, बुक। क्या होती है, बुक। तो क्या है कि जो बुक को लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक राइटर या क्या, ऑथर ऑफ द बुक। तो इसी तरह यानी कि इस क्वेश्चंस के अंदर हमने यह बताना है कि सी लैंग्वेज को किस पर्सन ने डेवलप्ड किया। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि जो सी लैंग्वेज है ये हमारे पास क्या है, 1972 में डेवलप्ड हुई थी, यानी कि 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया गया था, और जो इसका ऑथर है, ऑथर का नाम क्या है, डेनिस रिची। 1972 में डेनिस रिची ने क्या है, सी लैंग्वेज को डेवलप्ड किया था, सी लैंग्वेज को लॉन्चर किया था, राइट। अगर आप लोग मजीद सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी लेना चाहते हैं, मैंने क्या है कि सी लैंग्वेज के ऊपर या सी प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या कि कंप्लीट क्लास बनाई हुई है, तो वो क्लास आप लोग जाकर समाप्त कर सकते हैं। Who developed C? यानी कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप्ड किया। A में हमारे पास क्या है, वॉन न्यूमैन, इट इज नॉट आंसर। B में हमारे पास क्या है, चार्ल्स डार्विन, नो। थर्ड में हमारे पास क्या है, किंग थॉमसन। यहाँ पर क्या है, किंग थॉमसन। किंग थॉमसन ने बेसिकली क्या है कि बी लैंग्वेज को डेवलप्ड किया है। क्या कहा है, बी लैंग्वेज को डेवलप्ड किया। तो हमारे पास फोर्थ में क्या आ रहा है, डेनिस रिची। तो लिहाजा इट इज करेक्ट आंसर ऑफ द डी। डी में क्या है, डेनिस रिची।